सब मैं मौजूद हूँ एक ऐसी खास जगह जहाँ की खास बात ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसी कैसेट्स, कुछ ऐसी सीरीज, कुछ ऐसी रिकॉर्ड्स हैं जो आज के 2022 के लोगों को शायद मालूम भी ना होगी। हम अंदर चलते हैं, हम आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। आपका वक्त फिर ज़ाया किए बगैर कि वो क्या है, कैसा है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ, इस रूम को कहा जाएगा पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट किया है और जिन्होंने कलेक्ट किया है हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा, आपने कितने साल से जो डाटा कलेक्ट किया है, इसमें क्या क्या है, पहले तो आप खास बात बताएं हमारे व्यूवर्स को। जी, इसके अंदर मेरे पास मोस्टली पाकिस्तानी तकरीबन जितने भी साउंड ट्रैक्स आए हैं रिकॉर्ड्स में, सीडीज में, कैसेट्स में, मेरे पास तकरीबन सारे मौजूद। अच्छा रिकॉर्ड्स क्या होता है? सवाल ये है कि रिकॉर्ड्स क्या होता है वो बताइए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, जैसे ये प्ले हो रहा है, ये आप लोगों ने देखा होगा पहले के ज़माने में जो है वो इस किस्म के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। और ये जो रिकॉर्ड है इसे आप रोकेंगे ज़रा एक मिनट, ये इस तरीके से टिप इसकी उठती है और जैसे ही इसको टच करते हैं तो गाना शुरू हो जाता है और ये एक गज़ब की चीज़ है, इसे रिकॉर्ड कहा जाता है। अच्छा ये जिस पे प्ले हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ये टर्न टेबल कहा जाता है इसे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसका नाम लिखा हुआ है सेमी ऑटोमेटिक बेल ड्राइव टर्न टेबल मॉडर्न्स, ये एक ब्रांड है और रिकॉर्ड्स हैं वो इस शक्ल के होते हैं। देखें नूरजहां का ये रिकॉर्ड, ये नूरजहां का एक रिकॉर्ड। अच्छा ये बताइएगा कि आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने रिकॉर्ड्स हैं? तकरीबन मेरे पास पाकिस्तानी सिंगल वाइज अगर काउंट करें तो 800 के करीब रिकॉर्ड्स हैं। इसमें गज़ल, कव्वाली और हमारे सिंगर नुसरत फ़तेह अली खान, ये तकरीबन 800 के करीब डिफरेंट है और मल्टीपल कॉपी। मेहदी हसन, ओहो मेहदी हसन भी आपके पास है? जी जी तकरीबन। नाजिया हसन और जुहेब हसन, ये एक मशहूर पाकिस्तानी एरा गुजरा है जिसने दोनों भाइयों ने एक ज़बरदस्त धूम मचा के रखी थी, उनके रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ज़ुबैदा खानम हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बेगम अख्तर मौजूद हैं तबला एंड पंकज, और द लेटेस्ट द बेस्ट ग़ुलाम अली साहब की गज़ल्स मौजूद हैं। ग़ुलाम अली साहब का सारा कलेक्शन है, रंगीला कौन नहीं जानता, उनकी भी एक ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसमें आपको ग़ुलाम हुसैन कव्वाल जो कि एक मशहूर जो है वो कव्वाल गुजरे हैं उनका भी डाटा मौजूद है। मुन्नी बेगम जो है वो कॉन्सर्ट गई थी उनकी भी रिकॉर्ड्स मौजूद है। ये तकरीबन सारे इनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और ये तकरीबन रिकॉर्ड्स आज तक मतलब पाकिस्तान में जो ब्रांड है वो किसने बनाए हैं? तकरीबन EMI पाकिस्तान ने काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए हैं और EMI के काफ़ी तकरीबन रिकॉर्ड्स मेरे पास कंप्लीट हैं, कुछ सिवाय चंद 4 या 5 को छोड़ के बाकी मेरे पास सारा EMI का कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा आजकल नए प्रेस हो रहे हैं पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स फॉरेन में, US। अच्छा ये जो उस दौर में ये जो सागा और सोनिक और इस टाइप के नाम आते थे ये सब का क्या है? सारे पाकिस्तान में पायरेसी बनाते थे कॉपीराइट्स एक्ट के थ्रू, उनको सारे मतलब वो ओरिजिनल कॉपीराइट्स नहीं थे, तो कॉपीराइट्स में तो EMI पाकिस्तान ने ही बनाए हैं और वो सारे रिकॉर्ड्स तकरीबन मेरे पास 95%। तो EMI ने तकरीबन कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं और आपके पास कितने मौजूद हैं? EMI ने तकरीबन कुछ 800 के करीब रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसमें से मेरे पास 600 के करीब मौजूद हैं, 600 से थोड़ा सा ज़्यादा या कम प्लस माइनस मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा मैं आपको कुछ और भी रिकॉर्ड्स दिखाता हूँ जिसमें जैसे कि आपने ये गीता दत्त का नाम सुना होगा, सामने की आएगी बहार और सुमन, और ये इस तरीके से आपको बहुत सारे प्यार भरे गीत नज़र आएंगे और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये ख़ज़ाना अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा, जैसे कि ताहिरा सैयद। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर मैं देख रहा था कि ये शाम गरीबा भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ आबिदा परवीन जो कि एक उभरती हुई आज के दौर में जो है वो लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, कोक स्टूडियो में भी बहुत ज़बरदस्त जो है उनके कलाम और गाने आ चुके हैं। मेहदी हसन एक बहुत ज़बरदस्त नाम है, उनका भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। आपको पाकिस्तान के तमाम ही चीज़ें बहुत यहाँ पर अच्छी मिलेंगी, मौजूद हैं जो कि आपने देखा कि मेहदी हसन इन न्यूयॉर्क, ये ऐसा कीमती असासा है जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी रिकॉर्ड्स की शक्ल में नहीं नज़र आएगा। ग़ुलाम फरीद साबरी और मकबूल अहमद साबरी, और मतलब जितना देखा जाए उतना कम है। और यहाँ पर मैं देख रहा था कि लता मंगेशकर जो है वो उनका भी कुछ डाटा मौजूद है। और हम जिस इस रूम में मौजूद हैं यहाँ पर इनके पास 3 मुल्कों की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एक है पाकिस्तान और इसमें आपने देखा होगा मुजीब आलम एक बहुत बड़ा नाम है, उनका भी डाटा मौजूद है, खलील अहमद साहब का डाटा मौजूद है, और ये रूना लैला भी एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर थी, और द टीनेज पोरोडीजी एक, और डॉन अमिताभ बच्चन की जो है वो इसकी कलेक्शन भी मौजूद है। अच्छा इनके पास जो है वो सारे ही गाने मौजूद हैं। अब ये देखें अनारकली,
अनारकली भी इनके पास मौजूद है। अच्छा, ये जो दौड़ था ये रिकॉर्ड्स का दौड़ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो इसे कहते हैं, ये बड़ी सी एक कैसेट की शक्ल होती है, गोल सी, जिसे आप आज के दौर में छोटी सी सीडीज देखते हैं, वैसे उस दौर में ये एक बड़ी सी रिकॉर्ड कहलाती थी जो ये मौजूद है। और कुछ आप बताएं इसके बारे में मज़ीद। देखिए, इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो सीडी में है और यूएसबी में बिल्कुल भी नहीं आएगी। रिकॉर्ड की तो साउंड क्वालिटी बिल्कुल ओरिजिनल एनालॉग साउंड क्वालिटी, ये क्वालिटी आपको ना यूएसबी ना MP3 और किसी फॉर्मेट में, इवन ऑडियो सीडीज भी आके फेल हो गई। अब रिकॉर्ड्स का ज़माना जो है दोबारा से रिवाइव हुआ है 2015 से, और ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की प्राइसेस भी हाई हो गई है और रिकॉर्ड्स मिलते भी नहीं हैं। ये बिल्कुल जो ओरिजिनल प्योर साउंड कंपनी रिलीज होती है। अच्छा, आप मुझे बताएगा कि अगर बाहर भी आप कह रहे हैं रिवाइव होने लगा है, तो ये अब ये जो है वो मजीद ये प्लेयर्स भी बनने लगे हैं और अब ये रिकॉर्ड्स भी बनने लगे, तो इसकी क्या वर्थ है? अगर आप पाकिस्तान मंगाएं तो कितने रुपए की पड़ती होगी? ये पाकिस्तान बाहर से अगर हम मंगवाते हैं मिनिमम 6,000 का एक रिकॉर्ड हमारे को पड़ता है, जिसमें हम यहाँ पे बेसिकली कोई अगर डबल्स हो जाते हैं तो हम 7,000 में देते हैं, अदरवाइज सारे हमारे पास कलेक्शन में रखे हैं, जो डबल्स होते हैं हम वो सेल करते हैं, बाकी हमारे पास पूरा अपना कलेक्शन होता है। अच्छा, आपके पास अभी तकरीबन कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं? तकरीबन मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी जो है कुछ 3,000 के करीब रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल कॉपीज। 3,000 के करीब रिकॉर्ड मौजूद हैं और ये कोई आम बात नहीं है। और ये जो इनका नाम हुसैन है, हुसैन भाई जो है ये इनके वालिद साहब के साथ इन्होंने काम शुरू किया था, आप अपने वालिद के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइएगा कि कब आप लोगों ने काम शुरू किया? तकरीबन मेरी पैदाइश से पहले ही मेरे वालिद ने काम शुरू किया था और हमारा एक स्टोर था जहाँ से ये सारी चीज़ें बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुई थी। इसके बाद फिर इसका कॉपी राइट्स के बाद ये सब ख़त्म हो गया और हमने सब बंद कर दिया। उसके बाद दोबारा से ये रिकॉर्ड्स का रिवाइवल आया, उस रिवाइवल के बाद हमने ये रिकॉर्ड्स बाहर से मंगवाना शुरू करे और दोबारा से बड़े पैमाने पर हमने इसका काम शुरू किया और माशाल्लाह पूरे दुनिया में यहाँ से रिकॉर्ड जाते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो आपके पास देख सकते होंगे कि ये जो रिकॉर्ड है इसे टर्न टेबल कहा जाता है और उसके साथ इन्होंने अपने पास उन्होंने इस्तेमाल के लिए सारी चीज़ें के पास मौजूद है जो कि आप देख। ये इनका जो है वो और डाटा रखने की जगह है और आप देख सकते हैं कि किस कदर इनके पास ये वो जगह है जिसमें हम जो है वो इसको स्टार्ट करते थे, प्ले करते थे और ये ओपन करने के बाद इसके अंदर एक कैसेट डलती थी। आज के मेरे ख्याल में दौर के बच्चों को पता हो या ना पता हो, 90s का मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे तो ये पता है कि इसमें हम कैसेट लगाते थे, उसमें रिकॉर्ड भी करते थे और ये मुख्तलिफ किस्म के जो है इनके पास प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये सब इनके अपने इस्तेमाल के मौजूद हैं, ये खुद ही इस्तेमाल करते हैं, ये बेचते नहीं हैं, सेल नहीं करते, लेकिन ये कैसेट्स अलबत्त ये सारी चीज़ें ज़रूर सेल आउट की जाती हैं। अब हम इनके सेकेंड जो है वो पोर्शन में पहुँच गए हैं। यहाँ पर अच्छा, वो जो पोर्शन था वो बेसिकली पूरा का पूरा इन्होंने लॉलीवुड और पाकिस्तान बेस रखा था, अब हम जिस जगह मौजूद हैं ये टोटली इंडियन और बॉलीवुड का सेटअप है। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिखेंगी वो ये दिखेंगी, जैसे कि ये आनंद आपको दिखेगा और आपको ये दोस्ताना नज़र आ रहा होगा, बंदिश नज़र आ रही होगी, कलाकार और आप तो ऐसे ना थे, ये सब इंडियन और बॉलीवुड फिल्म्स और जो गाने आए हैं उनके तमाम गाने मौजूद हैं ये देखेंगे। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये बहुत कीमती रिकॉर्ड्स हैं जो वैसे आज के दौर में आपको शायद किसी और जगह ना मिले, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये एक ऐसा लाइब्रेरी है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, नमक हलाल मौजूद है, सत्या में जय विजेते और कटी पतंग, आपकी कसम,
मेरी तृष्णा, ये सब रिकॉर्ड्स मौजूद हैं यहाँ पर और इनके पास बेतहाशा डाटा मौजूद है और ये डाटा आपको शायद ही कहीं मिले। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये कि इन्होंने जितनी भी सीडीज़ वगैरह भी रखी है ना, उसमें इनका डाटा इस तरीके से इन्होंने संभाल के रखा है जैसे कि इनकी हर चीज़ की इनके पास दो या तीन या ज़्यादा होती है। अब जैसे कि ये इनके पास रखी हुई है स्टीव वॉन्डर की ना, तो अब ये इनके पास दो सीडीज़ हैं, अगर ये एक सोल्ड आउट कर देंगे तो एक इनके पास रह जाएगी। ये हर चीज़ का एक डाटा रख लेते हैं और दो जो है वो सोल्ड आउट कर देते हैं। अब जैसे कि ये शकीरा और अनफिक्सेशन का वॉल्यूम 2 इनके पास मौजूद है जिसकी इनके पास तीन सीडीज़ है। तो ये इस तरीके से जो जो उनके पास डाटा मौजूद होता है, आप देख सकते हैं कि किस कदर सीडीज़ और कैसेट्स मौजूद हैं। सीडीज़ आपको फिर भी शायद समझ आ गई होंगी कि क्या होती हैं, कैसेट्स क्या होती हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं वो आज के दौर के बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होगा। शायद वो बुज़ुर्ग लोग अगर देख रहे होंगे मेरी वीडियो तो उनको ज़रूर पता होगा कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत शानदार जगह है और आप यकीन करिए मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। और ये देखें आप, अमिताभ बच्चन किस शानदार मोटरसाइकिल पर मौजूद हैं। सुहाग की एक है इनकी फिल्म, उसके गाने हैं। और ये देखें आप, कैद, जिस पुराने ज़मानों की फिल्म्स और गाने आए हैं और लॉन्च हुए हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक ज़बरदस्त इन्होंने कलेक्शन करके रखी हुई है और यहाँ पर आपको सारे ऐसा डाटा मिलेगा जो शायद आपको मुल्क या शहर के दूसरे हिस्सों में नहीं मिलेगा। और अब हम चलते हैं आपको तीसरे पोर्शन में लिए चलते हैं जहाँ पर अंग्रेज़ी सॉन्ग्स या अंग्रेज़ी गाने और अंग्रेज़ी चीज़ें मौजूद हैं। मर्सा हुसैन भी मौजूद हैं। अच्छा हुसैन भाई, ये क्या है, ये कॉइन्स के बारे में आप ज़रा बताइएगा, ये मेडल्स क्या हैं? ये कॉइन्स जो हैं ये गिफ्ट मिले थे मेरे फादर को, किसी ने गिफ्ट किए थे और इसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये बाहर के ओरिजिनल कॉइन्स है, हर कंट्री का इसके अंदर एक एक कॉइन है। अब ये जो है इसकी बाकी डिटेल सच मुझे। अच्छा ये देखें आप, इस पे लिखा हुआ है मेडल्स 1872 से लेके 1972 तक 100 साल जो है वो इसमें आए हैं। इसमें लिवरपूल का भी मौजूद है, मैनचेस्टर सिटी का भी मौजूद है और सारे इसमें मेडल्स और कॉइन्स मौजूद हैं। अच्छा ये मैं बता रहा था आपको कि इनके पास इस किस्म के टेप्स रिकॉर्डर्स वगैरह मौजूद हैं जो इनके अपने इस्तेमाल में हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो है वो इंडियन और अंग्रेज़ी जो है वो कितना डाटा मौजूद है, उनके कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, कितनी कैसेट्स? इंडियन के भी मेरे पास तकरीबन कुछ 6000 रिकॉर्ड्स हैं मल्टीपल कॉपीज मिला के, और इंग्लिश के भी तकरीबन कुछ इस तरह 6000 रिकॉर्ड्स हैं। और कैसेट्स में मेरे पास ऑलमोस्ट कुछ 12,000 कैसेट्स मौजूद हैं जो कि अभी तक सॉर्ट नहीं हो पाई हैं। ये सारा आप दिखाएंगे। अच्छा ये जो आपने डाटा जो आप देख रहे होंगे कि इसको आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि इसको थोड़ा सा ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट की शक्ल दिया जाए या इसके डाटा को कंपाइल किया जाए, इसका कुछ इंसाइक्लोपीडिया को लोग अगर आपसे परचेज़ करना चाहें तो कैसे परचेज़ करते हैं वो आपसे? टाइम बाय टाइम मुझे जितना मौका मिलता है मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह लेके लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ जो कॉन्टैक्ट करते हैं, और उन्हें वो चीज़ें मिल भी जाती हैं। और जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये चीज़ चाहिए तो हम वो प्रोवाइड भी कर देते हैं टू उनके, बस थोड़ी मेहनत है लेकिन वो चीज़ें मिल जाती हैं तकरीबन काफ़ी। अच्छा आपने बताया कि जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए वो तो तकरीबन 7,000 रुपये के हिसाब से आप परचेस जो आप सोल्ड आउट करते हैं, और ये जो सीडीज़ वगैरह होती हैं जो नुसरत फतेह अली खान 300 ईच सेल कर रहे हैं, सारी जो जितनी भी सारी सीडीज़ हैं इंग्लिश पाकिस्तानी बॉलीवुड सब हम 300 ईच सीडीज़ सेल कर रहे हैं। अच्छा वो जो छोटी वाली कैसेट्स हैं वो जो आप हम मुझे दिखा रहे थे जो कि टेप रिकॉर्डर्स में लगती हैं वो जो हैं वो भी आपको शायद दिखा सकें हम, कि ये जो है वो आप देखें कि ये लिखा हुआ है और इस किस्म की ये कैसेट्स होती थी और पहले के ज़माने में, और ये ऑडियो कैसेट्स होती थी और इसको जो है वो हम जो है वो प्ले करते थे, जो मैं आपको एक टेप रिकॉर्डर दिखा रहा था उसके अंदर। तो एक ये शानदार सा डाटा इनके पास मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा डाटा ये और कंपाइल करके और इजी कर देंगे ताकि लोग, आप देखें कि यहाँ पर भी इंग्लिश रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और आप देखें कि हर किस्म का यहाँ पर डाटा जो है वो नज़र आता है। और ये बहुत मशहूर और मारूफ़ जो है वो सॉन्ग्स गुजरे हैं अपने अपने दौर के, और ये एक ज़बरदस्त डाटा इन्होंने कंपाइल करके रखा हुआ है। अच्छा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस डाटा के हवाले से, और जो लोग आने चाह रहे हो तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, उनके बारे में भी कुछ बताएं? आपके साथ आपकी वीडियो के साथ मैं अपनी सारी डिटेल्स नीचे फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिनको जो जो कांटेक्ट करना चाहें ऑडियो सीडीज़ ऑडियो कैसेट और रिकॉर्ड के हवाले से तो उन्हें चीज़ें मिल जाएंगी। मैं अपने पास चेक करके जो डबलिंग्स होंगी वो मैं दे सकता हूँ, बाकी ये मेरे पास। अच्छा जो आपके पास डबल होंगी आप वो सेल करेंगे, सिंगल आप? सिंगल्स वाली मैं नहीं दूंगा, सिंगल्स हमारे खुद के अपने कलेक्शन में रखी हुई जी बिल्कुल। और इनके वालिद की ख्वाहिश है कि उनका एक सिंगल जो है वो डाटा रखा जाए और बाकी अगर जो डबल या ट्रिपल या ज़्यादा हो तो वो भले सोल्ड आउट कर दी जाए। तो इसी के साथ जो है मुझे लगता है कि वीडियो को हमें एंड करना चाहिए। आपने बहुत
इन्जॉय किया होगा और इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आने वाले वक्त में जो है वो इसको हो सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से इसे संभाल के किसी म्यूज़िक या म्यूज़िक लाइब्रेरी की शक्ल भी दी जा सकती है, म्यूज़िक गैलरी की शक्ल दी जा सकती है। और आशा ये बताइएगा, अभी तक आपसे किसी ने कॉन्टैक्ट किया, किसी ने रब्ता किया कि हम जो है वो इस किस्म का आपसे डाटा ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, या कोई ऐसी वीडियो गैलरी बनाने का आपको किसी ने ऑफ़र दी हो? ऐसे अभी तो कोई ऑफ़र नहीं आई है मुझे। बीच में काफ़ी लोग आए थे ईएमआई पाकिस्तान से, विज़िट करके गए, देख के गए, लेकिन ऐसे अभी कुछ मतलब कोलैबोरेट करके या कुछ हमारे साथ इस तरह का कुछ रीज़न नहीं दिया है उन्होंने। कोई इस तरह का कोई फिगर आउट भी नहीं आया कि मेरा कुछ कलेक्शन पूरा होने में हेल्प आउट हो या उन्हें कोई चीज़ चाहिए हो जिस पर एक दफ़ा रब्ता हो के मुनक़ता हो गया। लेकिन ये है कि जितना ये बहुत बड़ा समंदर है, ये किसी का भी आज तक पूरा नहीं हुआ। इवन वर्ल्ड में जो भी हैं, जितने भी म्यूज़िक सेटअप्स हैं, जितने भी कलेक्टर्स हैं, किसी का भी आज तक पूरा नहीं हो सका। तो ये तो समंदर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी का पूरा। चले, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड्स, कैसेट, वीडियो, सीडी सब यहाँ मौजूद है। और ये जो है वो एक समंदर है। बिल्कुल सही बात है कि ये समंदर कभी कम नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इसे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर इससे कॉन्टैक्ट करके और इनसे कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको लिंक्स में दे रहे हैं, तो वो भी आप परचेज़ करें। और अगर आपको पसंद है, शौकीन है, शौक का वैसे तो कोई मोल नहीं होता, और अगर आप ऑडियो या वीडियो सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू।